अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। दिसंबर का महीना चल रहा है और बड़ी सर्दी हो गई है, ठीक है। और ये मौसम बेसिकली गन्ने की जो एक पैदावार है वो तैयार होती है और शुगर मिल्स जो क्रशिंग का सीज़न जो ना स्टार्ट करती हैं। तो अभी मुझे मामू ने बताया कि एक जगह फ्रेश गुड़ जो ना वो मिलता है, तो वो गुड़ की तैयारी देखने के लिए और गुड़ ख़रीदने के लिए जो है ना मैं जा रहा हूँ। तो आप लोगों को भी जो है ना थोड़ा सा एक ओवरव्यू देते हैं कि पंजाब में कैसे जो है ना वो गुड़ तैयार होता है। और मैं भी देखूँगा, फ़र्स्ट टाइम है मेरा भी, मैंने पहले कभी गुड़ बनते नहीं देखा, तो चल के देख। ये जी गुड़ तैयार है जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये जी बेसिकली बता रहे हैं कि सोडा नहीं यूज़ कर रही है और एक नेचुरल प्रोसेस से जो है ना गुड़ बना रहे हैं। कितनी देर पकता है? अच्छा, तकरीबन 3 घंटे लगते हैं इस प्रोसेस को टोटल। ये बेसिकली वो जगह है जहाँ से भट्टी को जलाया जा रहा है। ये कुछ मटेरियल है, बेसिकली बांस है जो वो यूज़ कर रहे हैं ये। और सर्दी की वजह से ये और भी कुछ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो अभी खुश्क नहीं है तो वो उसे जला नहीं रहे। ये इनका सेटअप है। ये जी चास तैयार हो रही है गुड़ की, चास ही बोलते हैं हम तो। बेसिकली दो जगहों पे पकाया जा रहा है इसको, जूस को। और ये देख सकते हैं कि मैल ये जो है ना अलग कर रहे हैं और ये पकता जा रहा है, भाप बहुत ज़्यादा है। और ये सारा कचरा मैल जो है ना उसकी जूस की ऊपर आ गई है और ये उसे अलग कर रहे हैं। आम तौर पे तो सोडा यूज़ होता है, लेकिन ये गांव ज़बान यूज़ करते हैं गुड़ बनाने के लिए, जो कि एक अच्छा नेचुरल प्रोसेस है। ये तैयार गुड़ पड़ा हुआ है और ये हल्का हल्का गर्म है, अभी मैंने टच किया था। तो ये इसकी एक्चुअल फॉर्म है, मतलब रिज़ल्ट है, जो ये इस तरह आ जाता है। जूस जो है ना वो पका पका के इस तरह का बन जाता है। ये इस चकोर से जो है ना लकड़ी में इसमें जो है ना डाल दिया जूस और इसको अब ठंडा कर रहे हैं। ये ठंडा होकर आस्ते आस्ते सख्त होता जाएगा।
आप देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता सख्त होना शुरू हो गया है और ये तकरीबन आधा घंटा और लेगा प्रॉपर अपनी फॉर्म में आने के लिए, और उसके बाद ये मतलब कि इसकी डले से टुकड़ियां बनाएंगे। ये एक जनाब आए हैं और वो अपना स्पेशल ड्राई फ्रूट लेके आए हैं और ड्राई फ्रूट जो है ना इस गुड़ में डलवाने लगे हैं। तकरीबन 5 केजी उसने बोला कि मुझे चाहिए, तो वो 5 केजी के हिसाब से उनको जो ना बना के देने लगा। इसमें ये तिल हैं और नारियल है, इसके अलावा बादाम है, इस तरह की आइटम्स उन्होंने डाली हुई हैं। तो गुजरांवाला के लोग हैं, फिर वो खाबों में तो वैसे ही मशहूर हैं, तो ये तो फिर सर्दियों की सौगात है एक तरह से। तो मेरा भी बड़ा दिल ललचा रहा था, बहुत अच्छा लगा ओवरऑल। ड्राई फ्रूट तो ले कर ही आए हैं वो जनाब, लेकिन साथ में देसी घी भी लेकर आए हैं और बड़ी प्यारी खुशबू है। और ये देसी घी जो ना वो डाल के इनका गुड़ बना रहा है लड़का, क्या खुशबू थी बस ना पूछें। मैंने तकरीबन इनसे 5 केजी गुड़ ख़रीदा है ओवरऑल, और गुड़ बहुत अच्छा था इसलिए उसकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा थी। 200 रुपये पर केजी पे मैंने ये गुड़ ख़रीदा है, जो कि मुनासिब है मेरे हिसाब से। चूँकि बड़ा टाइम लगना था इसको अभी ठंडा होने में और दोबारा गुड़ बनाने में, तो पास ही जो है ना वो मुझे अमरूदों का बाग नज़र आया, तो मैंने कहा उधर एक चक्कर लगाया जाए और देखा जाए। मैं कभी अमरूदों के बाग में भी नहीं गया, तो ये फ़र्स्ट टाइम जो है ना एक एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने लगा हूँ। इसमें हमने अपने हैंड पिक्ड जो है ना वो अमरूद उतारे हैं और इंतहा के मज़े के अमरूद थे, मतलब मैंने ज़िंदगी में ऐसे नहीं पहले कभी खाए, बहुत मज़ा आया। कितना बड़ा अमरूद है जी, ये जी हमने पूरी एक टोकरी भर ली है और तकरीबन 12 केजी हमने जो है ना इनसे अमरूद खरीदे हैं। लें जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।